दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में नए कांग्रेस अध्यक्ष, संगठन, आगामी विधानसभा चुनाव, लखीमपुर खीरी हिंसा, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने 2019 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अगस्त 2019 से सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। हालांकि कांग्रेस में लगातार नए अध्यक्ष की मांग उठती रही है जो पूर्णकालिक हो और सक्रिय रहे। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा भी है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है। G23 ग्रुप लंबे समय से CWC बुलाने की मांग कर रहा था। पार्टी के भीतर भी कई मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने अब इस बैठक को बुलाने का फैसला किया है। ये बैठक कांग्रेस की राज्य इकाइयों जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जारी हंगामे के बीच हो रही है जहां पार्टी सत्ता में है। वहीं CWC में सोनिया गांधी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि CWC की बात मीडिया में होनी चाहिए, अध्यक्ष पद पर चुनाव पर चर्चा के लिए तैयार हूं, कोरोना की वजह से चुनाव में देरी हुई। तो अध्यक्ष पद पर चुनाव पर चर्चा के लिए तैयार हूं, साथ ही कोरोना की वजह से चुनाव में देरी हुई, ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है। तो CWC की जो बैठक है वो चल रही है। हालांकि इस बैठक में तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे, सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जैसे लखीमपुर खीरी हिंसा, कोरोना, महंगाई और साथ ही संगठन और सत्ता को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए उस पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से चुनाव में देरी हुई, ये कुछ बयान जो हैं वो सोनिया गांधी की तरफ से सामने आए। सोनिया गांधी ने बयान दिए कि CWC की बात मीडिया में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष पद पर चुनाव पर चर्चा के लिए तैयार हूं, कोरोना की वजह से चुनाव में देरी हुई। तो बैठक में तमाम नेता जो हैं वो शामिल हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और जब उनका दिल्ली दौरा था तो उस दौरान तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे और अब वो खुद इस बैठक में शामिल हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रमन कुमार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, जिस तरीके से बैठक चल रही है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, अभी भीतर खाने से क्या खबर जो है वो सामने आ रही है? देखिए, ये बैठक G23 के नेताओं की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई थी सोनिया गांधी को और कहा गया था कि संगठन का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, जो PCC प्रेसिडेंट हैं उनका चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर का चुनाव भी कराया जाए और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भी कराया जाए, क्योंकि उनकी दलील ये थी कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो चुनाव के जरिए अगले अध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए। और कपिल सिब्बल ने टोंट करके कहा था कि अभी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है ये मुझे नहीं पता। सोनिया गांधी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि 2019 में आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, हाँ उस वक्त मैं इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने काम किया वो पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर मैंने काम किया, चाहे कोरोना के दौरान पार्टी किस तरीके से सरकार के साथ तालमेल बिठाए, गरीबी के मुद्दे पर, मजदूरी के मुद्दे पर, जिस तरीके से जो 3 कृषि कानून हैं उस कृषि कानून के विरोध में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करना, जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उसको एक जगह पर लामबंद करना, संसद सत्र के दौरान लगातार इन मुद्दों को उठाना, ये हमारी रणनीति थी और इस रणनीति के तहत हमने बहुत शानदार काम किया है। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी के
संगठन के चुनाव का, उसके बारे में आपको केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं पूरे विस्तार से बताएंगे कि कब से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और चुनाव की प्रक्रिया के बाद AICC का सेशन बुलाया जाएगा। AICC के सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य का चुनाव होगा, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। यानी कि पूरी तरीके से आक्रामक मूड में थी सोनिया गांधी और सोनिया गांधी की इस आक्रामक मूड के चलते जो दो सदस्य G23 के इस बैठक में मौजूद हैं गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी दबाव में महसूस कर रहे हैं क्योंकि पूर्णकालिक सदस्यों की मीटिंग बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी थी गुलाम नबी आज़ाद ने, जिसके कि 21 सदस्य होते हैं, लेकिन अभी जो मीटिंग बुलाई गई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई गई है जिसमें कि मुख्यमंत्री भी शामिल है। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल है। यानी कि एक दबाव G23 के नेताओं पर काफ़ी ज़्यादा है कि वो अगर कोई ऐसा रुख लेते हैं, कोई ऐसा रुख अख्तियार करते हैं तो बाकी नेताओं की तरफ से उनको और ज़्यादा उनकी आलोचना होगी। बिल्कुल बिल्कुल रमन, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके से अंतरिम अध्यक्ष अभी फिलहाल सोनिया गांधी हैं, अध्यक्ष कोई नियुक्त नहीं किया गया है, चूँकि लगातार ये मांगें भी उठ रही थी कि कोई अध्यक्ष बनाया जाए क्योंकि सोनिया गांधी उस समय इतना एक्टिव नहीं रह पाती हैं जिस समय उनको एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि तमाम दौरे होते हैं, तमाम दौरे को लेकर भी एक्टिवनेस इस समय चाहिए होती है और शायद इसी वजह से मांग जो है अब उठने लगी है। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल आपको साफ कर देना चाहता हूं कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इससे पहले भी चर्चा हुई थी वो चर्चा ये हुई थी कि अब कोई भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो उसका चुनाव के जरिए वो बनेगा और चुनाव तभी हो सकता है जब संगठन का पूरा शेड्यूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित की जाए। लेकिन कोरोना के चलते आपने देखा कि 2 साल तक कोई भी काम नहीं हो पाया और यही दलील सोनिया गांधी ने दी और कहा कि अब जब समय अनुकूल हो रहा है तो अभी इसी बैठक में आपको केसी वेणुगोपाल संगठन के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे कि कब राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होगा, कब AICC का सेशन होगा और उस सेशन में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पूरी घोषणा की जाएगी और अगर G23 का कोई नेता चुनाव लड़ना चाहता है उनके भी दरवाजे उसी तरीके से खुले रहेंगे। जी बिल्कुल, आप नज़र बना के रखिएगा रमन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है, तमाम मुद्दों में इसमें चर्चा की जाएगी और साथ ही कब चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी।